हाइड्रोसिल का संबंध आपके जॉब से भी है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे जॉब में अप्लाई कर रहे हैं जहां पर मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है, तो आपको हाइड्रोसिल की वजह से उसमें टेम्परेरी रिजेक्शन मिल सकता है। तो इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसको पहले ठीक कराएं, उसके बाद ही मेडिकल में अपेयर हों। इसमें कुछ सवाल आपके ये हैं कि हमें ये कब कराना चाहिए और क्या ये हम कराकर मेडिकल में जा सकते हैं या नहीं। तो ये दो बातें तो हम अभी क्लियर कर देते हैं कि आप इसको अगर आपको ये हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है तो आप इसे कराकर मेडिकल में जा सकते हैं, उसमें छूट है इस बात की कि आप करा सकते हैं इसका, इसको ऑपरेट या इसको ठीक करा सकते हैं, उसके बाद फिर आप मेडिकल के लिए दोबारा आ सकते हैं। इसका बहुत ही छोटा सा एक माइनर ऑपरेशन होता है, बहुत छोटा सा कट लगता है स्क्रॉटम में और वहाँ से ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। अब ये सवाल रहता है कि ये कितने समय पहले कराना चाहिए। तो अगर आपका मेडिकल आगे भविष्य में होने वाला है तो आपको एक एज्यूम आप कर लीजिए कि आपका कब मेडिकल होने वाला है, तो उससे कम से कम 6 महीने पहले आप इसको करा लीजिए, जिससे कि जो भी हीलिंग है वो अच्छे से हो जाए, स्किन मजबूत हो जाए, वहाँ पर जो सूजन है या फिर जब जहाँ पर छोटा सा जो कट लगा है वहाँ पर कोई सूजन ना रहे, वहाँ पर कोई स्कार या फिर कट का निशान इतना ज़्यादा हैवीली दिखाई ना दे, वो ऑलमोस्ट कहने का मतलब वो कंप्लीट बिल्कुल हील हो जाए, सही हो जाए, जैसे नॉर्मल हमारी स्किन होती है, तो वो आराम से आपका 6 महीने में हो जाएगा। तो कम से कम 6 महीने पहले आप उसको बिल्कुल परफेक्ट ठीक करा लीजिए और उसके बाद आप उसको जाके मेडिकल में अपेयर कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि कहीं इससे हमारी प्रोडक्टिविटी तो कम नहीं हो जाती। अभी मेरे पास कमेंट ऑप्शन में भी कमेंट था कि ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में जब हम शादी अगर हम करते हैं तो क्या हम पिता बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे या उसमें कोई समस्या आगे खड़ी हो जाएगी, तो ये सवाल भी लोगों का है। तो इसमें भी क्लियर बिल्कुल सही और साफ शब्दों में आप इसको समझ लें कि आपकी प्रोडक्टिविटी का इससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, प्रोडक्टिविटी से कोई छेड़ाछाड़ा नहीं जाता इसमें, बल्कि वो बिल्कुल जैसी पहले थी वैसे ही रहती है। और अगर आप इसको नहीं कराते हैं तो ज़रूर आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए समय रहते अगर सूजन ज़्यादा बढ़ गई है तो आप इसे ऑपरेट ज़रूर करा लें। इसको हम मुझे लगता है कि शायद ऐसे आप ना समझ पाएँ, लेकिन मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ कि ये कितनी प्रॉब्लम रहती है और इसको कैसे ऑपरेट करके ठीक किया जाता है, ठीक है, उसके बाद हम आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। चलिए सो व्यूअर्स, आज हम यहाँ पर इस डायग्राम से इसको समझेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम जो हमारी होती है स्क्रॉटम की, ये किस तरीके से डॉक्टर्स इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। मान लीजिए स्क्रॉटम है हमारा, अंडकोश है और उसमें ये हमारी बॉल्स हैं, ठीक है। अब क्या रहता है कि ये जो दोनों बॉल्स हैं इनके ऊपर भी एक झिल्ली होती है इस तरीके से, यहाँ पर ये झिल्ली होती है, ऐसे ही इस पर भी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कभी इस पर प्रेशर पड़ता है या दब जाते हैं ये अंडकोश, तो इसमें ये जो आउटर वॉल है इसकी और ये जो अंडकोश में जो अंडकोश है ये, इसमें और इसके बीच में पानी भर जाता है, एक फ्लूइड आ जाता है, ठीक है। और जब ये फ्लूइड बढ़ने लगता है, ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर ये पेनफुल हो जाता है, शुरुआत में तो जब ये हल्की हल्की सूजन आती है तो आप इसकी दवा लेते हैं और अगर ये सही होना होता है तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन जब ये फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये यहाँ से इसके साइज़ को फुलाने लगता है, यहाँ से ये फूलने लगता है। तो जब ये इधर से फूलने लगती है ये झिल्ली, तो फिर ये वाली झिल्ली, ये वाली जो ऊपर वाली है, ये वाली फिर इसको भी धकेलती है बाहर की तरफ, तो कुल मिलाकर जो फिर जो आपकी शेप हो जाती है स्क्रॉटम की, वो कुछ इस तरीके से फिर हो जाती है कि ये शेप फिर इस तरीके से लार्ज हो जाती है और ये वाली छोटी हो जाती है ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जब साइज़ कुछ इस तरह से हो जाता है कि एक पार्ट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, जिसके अंदर हमारी बॉल वही साइज़ की है जैसे पहले थी,
लेकिन उसमें ये जो पूरा फ्लूड इसके अंदर आ गया है, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ हमारा दिख रहा है, ये सब पानी भर गया है इसके अंदर। ये ऐसा पानी है जो कि ठीक नहीं है, उसे निकालना ही ज़रूरी है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पर कट लगाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उनको जहाँ भी ठीक लगता है, जिस हिसाब से वो करते हैं उसके हिसाब से एक छोटा सा इस आउटर वॉल में एक छोटा सा कट लगाते हैं, और उस कट से यहाँ पर एक छोटा सा कट लगेगा, और उस कट से ये झिल्ली में जैसे ही हम पंचर करेंगे ये पूरा फ्लूड बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये फिर वैसा ही हो जाएगा जैसे कि ये पहले इस शेप में था, यानी ये पूरा फिर ये फ्लूड ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से, और ये फिर स्क्रोटम वैसा ही साइज़ में आ जाएगा जैसे कि पहले था, क्योंकि इसके अंदर फ्लूड भरा था। अब हमने यहाँ से इसको हल्का सा कट लगा के यहाँ पंचर किया, और पंचर करने से ये सारा फ्लूड निकल गया, और फिर यहीं पर एक छोटा सा टाँका लग गया, एक टाँका या दो टाँका जो भी जितनी भी हिसाब से उसमें लगना है, और उसके हिसाब से ये जो पंचर लगा है इससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो ये इस तरीके का कुछ प्रोसीजर वहाँ पर अपनाया जाता है जिससे कि इस समस्या से आपको जल्दी छुटकारा मिले और ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए और आप जल्दी से मेडिकल में अप्लाई कर सकें। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है कहीं वो तो इसकी वजह से कम नहीं हो जाती। तो खूब अच्छे से समझ लीजिए कि जहाँ पर प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ये हमारी बॉल्स होती हैं जिसके अंदर हमारे शुक्राणु बनते हैं, तो अगर इनके ऊपर इतना सारा ये जो फ्लूड आप भरे रहेंगे, इसको निकलवाएंगे नहीं, तो ये तो आपके इन स्क्रोटम को ख़राब कर सकता है, यहाँ पर से जो वेन ऊपर गई हैं उनको भी ख़राब कर सकता है, जिनसे यहाँ से बनकर ये जो स्पम्स ऊपर जाते हैं तो उनको में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आगे चल के पैदा कर सकता है, तब प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आप इसको इस फ्लूड को बाहर नहीं निकलवाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर ये इस हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है तो आप इसको ऑपरेट कराएं, और ये जो फ्लूड भर गया है इसके चारों तरफ ये यहाँ पर, तो इसको आप फटाफट इसको बाहर निकलवाइए जिससे कि आप स्वस्थ रहें और आपको भविष्य में किसी भी तरीके की कोई समस्या इससे रिलेटेड ना हो। ये खूब ध्यान रखिए कि इसको ऑपरेट कराना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और नहीं कराएंगे तो ये इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा और फिर आपकी प्रोडक्टिविटी, हाँ किसी भी तरीके की, मैं ये नहीं कहना एकदम से उसी स्ट्रीम में, लेकिन हाँ किसी दूसरी कॉम्प्लिकेशन को भी ये क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर आप इसको ऑपरेट करा लेते हैं, छोटा सा ऑपरेशन है, बहुत माइनर ऑपरेशन का तो नाम है ये, एक माइनर सा छोटा सा कट लगाया जाता है, उससे फ्लूड को निकाल कर इसको स्क्रोटम को भी, ये स्ट्रेचेबल स्किन होती है, इसको भी बाहर निकाल कर और इसको फिर ठीक ठाक करके फिर यहाँ पर इसको स्टिच लगा दिए जाते हैं। छोटा सा यहाँ पर इतना बड़ा कट लगता है और ये स्क्रोटम भी उसी से बाहर भी आ जाता है निकाल के, और फिर स्क्रोटम को फिर अंदर कर दिया जाता है क्लीन करके और सब कुछ ठीक ठाक करके। तो फिर उस तरीके से ये प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर के थ्रू ही आपका ये जो आपको प्रोसीजर होता है वो होता है, और इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरीके की परेशान होने की ज़रूरत। तो वेल व्यूअर्स, आपने देख लिया कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है और ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में ये समस्या हो जाती है, और इसको आप कहीं भी ऑपरेट करा सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, सब जगह ये आसानी से और बहुत जल्दी ऑपरेट हो सकती है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि इसका प्राइस क्या है, इसको लोग कितने में हम करा सकते हैं बाहर जाके अगर हम कहीं कराते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हर हॉस्पिटल और डॉक्टर का अपने एक अलग नॉर्म्स होते हैं काम करने के, या उनकी फ़ीस का लेवल होता है, तो उस हिसाब से इसकी फ़ीस भी रखी जाती है। तो ये तो आप पर, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर से किस तरीके से इस बारे में बात करते हैं या बार्गेनिंग करते हैं कि अगर डॉक्टर कितनी फ़ीस भर रहा है, आप उससे बात करी नहीं, इतने में मतलब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या इतने में दे सकता हूँ, या फिर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन एक मैं, अगर आप मुझसे बहुत प्रेशराइज करके अगर ये सवाल पूछ ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे किया है कि क्या प्राइस इसका बाहर रहेगा, तो मुझे लगता है कि 6 से 8 हज़ार के आसपास
8,000 या 6,000, ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल फिक्स प्राइस है या फिर इसी में आपका हो जाएगा, डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, क्योंकि ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ ये ऐसे हैं जो कुछ लोगों ने कराए हैं, जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की है, मुझे बताया है, उनके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये लगभग इस प्राइस के आसपास लोग इसको लेते हैं पैसे इसके। और आप इसका अप डाउन भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है, कहीं इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 6,000 से 8,000 के आसपास आप इसको मान लीजिए, और इसको फिर भी यूनिवर्सल मत मानिएगा कि इससे कम भी हो सकते हैं प्राइस, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस कुल मिलाकर ये इस रेंज में आप इसको ऑपरेट करा सकते हैं, लेकिन इसको ऑपरेट कराना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि हम इसको दवाई से ठीक कर लेंगे, अगर ये दवा से ठीक होना होता है तो ये इनिशियल स्टेज में ही कुछ दवाएं देने से ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दवाएं देने से ही ठीक नहीं होता तो इसका मतलब है कि इसको आपको ऑपरेट कराना ही कराना है। तो इसमें देरी ना करें और खूब समझ लें कि ये आपकी किसी भी तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करता है, ना ही ये आपकी पावर शक्ति को कम करता है, ना ही आपके किसी भी तरीके के कोई स्टैमिना को कम करता है। तो डोंट वरी अबाउट इट और बी हैप्पी। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसको बिल्कुल सही समय पे इसको ऑपरेट कराइए, और अगर मेडिकल होने वाला है तो उसमें बिल्कुल अच्छे से खुश होकर उस मेडिकल को फेस करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।